यूपी में 12,460 सहायक उपाध्यक्षों को भर्ती के पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिलहाल इन्होंने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया में क्वालिटी पॉइंट के निर्धारण के लिए भी प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाए और सारे आपको बता दें चयन किए जा रहे हैं नए सिरे से। कोर्ट ने अंकों के कंप्यूटेशन का नया फॉर्मूला बनाने तक कोई चयन नहीं करने के लिए भी कहा है। यूपी विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है। मंगलवार को जीएसटी विधेयक पास हो गया था। सदन में जीएसटी विधेयक को पेश करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी देश में आर्थिक संघवाद है और इसके साथ आर्थिक सुधार की तरफ ये एक आगे का कदम है। सीएम ने सभी पार्टियों से जीएसटी पास कराने के लिए सहयोग देने की भी मांग की थी और चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने जीएसटी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की, लेकिन चर्चा के बाद सदन ने जीएसटी विधेयक को पास कर दिया। योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। अवैध खनन पर जुर्माना 25,000 से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए कर दिया गया है। खनन नियमावली में बदलाव भी हो गया है। इसके तहत घरेलू उपयोग और कुम्हारों के लिए खनन में रियायत दी जाएगी। हालांकि इसके लिए एसडीएम ने अनुमति इससे लेनी होगी और एसडीएम बकायदा इसके लिए एक पर्ची जारी करेंगे, जिसके बाद दिखाने के बाद वाहनों को नहीं रोका जाएगा और घरेलू उपयोग के लिए कहीं से खनन करके लौट वापस रहे होंगे तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसानों को गेहूं, जौ और तिल की फसलों के बीजों पर भी प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें उन्नतिशील प्रजातियों पर विशेष अनुदान देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट अपनी मंजूरी देगी। बुलंदशहर में अधिकारी काम के वक्त सोते हुए नजर आए। कुछ पुलिस वाले मोबाइल में गेम खेलते तो कोई फेसबुक चलाता हुआ यहां दिखा। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जब एसडीएम से इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया। इलाहाबाद पुलिस ने ऐसे एक गिरोह का खुलासा किया है जो पानी मांगने के बहाने घरों में लूट का वारदात का अंजाम दिया करता था। इस गिरोह में ऐसे 3 सदस्य अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य पहले इलाके में रेकी करते थे, ऐसे घरों को चुनते थे जिसमें दिन में महिलाएं होती थी। बताया जा रहा है कि महिलाएं दरवाजे पर पानी लेकर आती थी तो उसे बंधक बना लिया जाता था और घर में लूटने के बाद वहां से फरार हो जाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से देसी तमंचे, कारतूस और लूटा हुआ सोने और कई सामान भी बरामद किए। आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक है। आपको बता दें ये बैठक सचिवालय में सुबह 10 बजे से होगी। इसके अलावा सुबह 11 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पशुपालन विभाग के साथ ही एक बैठक करने वाले हैं। शाम को मुख्यमंत्री रावत छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त से मिलेंगे और आपको बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक महीने के हर दूसरे और चौथे बुधवार को होती है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। प्रदेश में एक ही जगह पर लंबे वक्त से जमे 42 अधिकारियों को इधर उधर ट्रांसफर किया गया है। वहीं 15 सालों से एक ही जगह पर जमा शिक्षकों का भी तबादला अनिवार्य कर दिया गया है। अब शिक्षा, खेल और पंचायती राज विभाग में तैनात कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता की जांच भी की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 5,000 गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति का आदेश भी जारी किया है। 1 जून से प्रदेश की नई आबकारी नीति लागू कर दी जाएगी और उससे पहले आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने आबकारी मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें ना तो रजिस्टर में एंट्री सही मिली और ना ही सीसीटीवी कैमरे चालू हालात में मिले। आपको बता दें फर्जी होलोग्राम मामले में फाइल भी आधी अधूरी पाई गई और आपको बता दें खामियों को लेकर प्रशांत पंत ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जल्द ही खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून की नई कप्तान निवेदिता कुकरेती चार्ज संभालते एक्शन में आ गई हैं। आज सुबह 4 बजे कुकरेती ने घटाघर पर जिम्मेदार अफसरों को बुलाया और देरी से आने पर सीओ डालनवाला को फटकार भी लगाई। एसएसपी निवेदिता ने अफसरों को 2 टूक शब्दों में कहा कि रिस्पांस टाइम सुधारो, चेकिंग और गश्त को और प्रभारी बनाने को भी कहा गया।
उत्तराखंड के नैनीताल में एक डॉक्टर ने पहले अपनी पत्नी का साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, फिर खुद भी कमरे में बंद हो गया और आरोप है कि डॉक्टर अपनी पत्नी पर शक करता था और जिसको लेकर आए दिन मारपीट भी किया करता था। आरोप है कि जब डॉक्टर ने कमरे के अंदर से ताला लगाया था तब उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर भी निकाल रखी थी। आपको बता दें पुलिस के मुताबिक डॉक्टर की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो मामले की जांच कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दो छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़खानी का ये आरोप दो शिक्षकों पर लगा है। ये मामला फतेहपुर के बसौनी गांव के दो स्कूली छात्रों के साथ हुआ और छात्राओं के परिजनों की शिकायत के बाद मामले की जांच की जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। उधर इस मामले में स्कूल प्रशासन की दलील है कि ये घटना स्कूल में नहीं हुई है। हरिद्वार के कई इलाकों में बिजली के तार जी का जंजाल बन गए हैं। लोगों के मुताबिक हर की पौड़ी से लेकर मोती बाजार तक बिजली के तार लटक रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खासकर गर्मी के सीजन में आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, बावजूद इसके अधिकारी आंखें मूंदे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत सेंसर लगाए जाएंगे ताकि भूकंप को लेकर लोगों को अलर्ट किया जा सके। ये सेंसर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। एनआईईसी और बीएसएनएल के टावर्स के जरिए इन सेंसर्स को कनेक्टिव किया जाएगा। देहरादून और हल्द्वानी में करीब 110 सायरन लगाए जाएंगे और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के मुताबिक आपदा प्रबंधन विभाग ने आईआईटी रुड़की को इसकी अनुमति भी दे दी है और इसके लिए 3 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। एमपी के बैतूल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गिट्टी नुमा पत्थर पाए गए हैं। आपको बता दें कि मामला ऐसा सामने आया है, शहर के गर्ल्स कॉलेज में सामने आए इस एक रेस्टोरेंट में मालिक ने बताया है कि कोल्ड ड्रिंक की 200 ml की बोतल में पत्थर के कुछ टुकड़े मिले हैं। खाद्य विभाग को कोल्ड ड्रिंक में पत्थर मिलने की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने बोतल जब्त कर जांच के लिए भोपाल लैब में भेजा है। एमपी के भिंड में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने चंबल सेंचुरी में अवैध खनन को लेकर भिंड प्रशासन और सरकार के मंत्रियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। हेमंत कटारे का आरोप है कि अफसर शिकायत के बाद भी खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने अफसरों पर खनन माफियाओं के साथ मिले होने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि अफसर अवैध खनन से हो रही काली कमाई का हिस्सा मंत्रियों तक पहुंचाते हैं। हेमंत कटारे का कहना है कि प्रबंधन चंबल सेंचुरी में अवैध खनन से जलीय जीवों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन किसी को भी इनकी फिक्र नहीं है। एमपी के आनंद मंत्रालय का गठन हो चुका है और अब आनंद मंत्रालय के कामकाज के लिए सरकार अनुबद्ध है। आपको बता दें इसी कड़ी में सचिवालय में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्य आनंद संस्थान और आईआईटी खड़गपुर के बीच एक एमओयू भी हुआ है। आनंद संस्थान ने आईएसबी हैदराबाद के साथ भी एक अनुबंध साइन किया है और इन अनुबंधों के तहत आईआईटी खड़गपुर हैप्पीनेस इंडेक्स मापने का काम करेगा, जबकि आईएसबी हैदराबाद ऑनलाइन हैप्पीनेस कोर्स हिंदी में पढ़ाएगा। एमपी के अलीराजपुर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी तगड़ा झटका उनको लगा है। बीजेपी के 70 सक्रिय युवा कार्यकर्ता कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 5 साल में कांग्रेस ने शहर में विकास के कई काम किए हैं। कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी संभावित हार से बौखला गई है। एमपी के टीकमगढ़ नगर पालिका पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि जनता ने जो दिए थे पैसे, जो लिए गए थे मशीन गया, जो पैसा था वो नगर पालिका प्राइवेट कंपनियों और व्यक्तिगत काम के लिए करवाया जा रहा है यूज। आरोप ये भी है कि नगर पालिका की सरकारी गाड़ियों समेत कर्मचारी भी प्राइवेट कंपनियों के काम में जुटे हैं और अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। माना जा रहा है कि इसकी वजह से प्राइवेट केबल नेटवर्क का काम इन दिनों नगर पालिका अध्यक्ष के पति के पास है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाने के लिए लोन दिया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें बीजापुर के भोपाल पट्टनम के करीब 150 लोग जमीन ना होने के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। अशियानों के आसपास बैठे ग्रामीणों ने जमीन के पट्टे की मांग की, लेकिन बीजापुर कलेक्टर और वन मंत्री को गुहार लगाई, बावजूद इसके कोई काम नहीं हुआ है।
ग्रामीणों को मांग को देखते हुए कलेक्ट्रेट ने सर्वे करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं ताकि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सके। एमपी के भिंड के जिला अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही की वजह से ही एक महिला की मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से इस महिला की मौत हो गई। इस मामले में परिवार वालों ने कलेक्टर की शिकायत भी की है। इंजेक्शन नर्स ने महिला को लगाया था और थोड़ी देर बाद दूसरी नर्स ने एक और इंजेक्शन लगाया, लेकिन दूसरा इंजेक्शन लगाते ही महिला की मौत हो गई और यही वजह है कि महिला के पति ने स्टाफ पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। केंद्र की तरह बिहार सरकार के कर्मचारियों को भी सातवें वेतन का तोहफा मिला है। नीतीश कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी है। 1 अप्रैल 2017 से बड़े वेतनमान का लाभ मिलेगा। आपको बता दें, नियोजित शिक्षकों के वेतन में भी 2.5 गुना इजाफा हुआ है। बिहार के मोतिहारी के बाल कैदी को लेकर पुलिस कटघरे में है। बताया जा रहा है कि आरोपी बाल कैदी फर्जी नाम और पते के आधार पर रिमांड होम में रह रहा था और बाल कैदी को रिमांड होम भेजने के महीने भर बाद भी पुलिस ने उसके नाम और पते को वेरीफाई नहीं किया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 11 मई को कोर्ट में आरोपी बबलू दुबे की हत्या की गई थी। हत्या का आरोप रिमांड रूम में मौजूद बाल कैदी पर लगाया गया। हैरानी की बात यह है कि हत्या कर बाल कैदी वापस रिमांड रूम में आ सकता है, आ जाता है, इसके बाद उसकी फरार भी वो हो जाता है। बिहार के औरंगाबाद में बिजली विभाग के इंजीनियर को जान से मारने की धमकी मिली है। इंजीनियर राजेश कुमार ने खैराबिंद पंचायत के मुखिया सुजीत सिंह को गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और इंजीनियर ने नगर थाने में इसे लेकर मामला भी दर्ज कराया है।